ज गुड मॉर्निंग टू ऑल एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफे स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी सो आज का जो हमारा प्रॉपर टॉपिक रहने वाला है वो आपका स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड है दैट मीन्स स्पेस से जुड़ी हुई जो न्यूज़ अभी आपने रिसेंट देखी होगी उसको कवर किया जाएगा और अगर डिफेंस के सेक्टर में कोई न्यूज़ अगर कभी रह गई होगी या मान लो हमने रिविजन के पार्ट पे आपको नहीं कराई है तो उसको भी इसमें कवर करेंगे लेकिन इसके अलावा आपका जो मैपिंग का क्लास होता है इसे मिस मत किया करिए ये क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे रहता है शाम को साढ़े चार बजे ऑन यूट्यूब इसी चैनल पे क्लास होता है इसके अलावा आपके दो यहाँ पे पर्टिकुलर क्लासेस होते हैं जो आपके स्पेशल क्लासेस हैं पहला जो क्लास है वो आपका घटना चक्र का होता है और जो दूसरा वाला है वो ग्रुप डी और आर के लिए मॉक रहता है दोनों आधे आधे घंटे के क्लासेस होते हैं तो डोंट मिस दैम क्योंकि अगर आप अभी मिस करोगे फिर एग्जामिनेशन टाइम पर के लिए दिक्कत होगी ठीक है चले अच्छा इसके अलावा अपने लोगों का जो करंट अफेयर्स का क्लास है वो सात बजे हुआ करता था जिसका टाइम अभी रिसेंटली सिक्स फोर्टी फाइव ए एम कर दिया गया है ताकि आपका जो समय है वो थोड़ा सा सेव हो सके और आप अपने क्लासेस के साथ में प्रॉपरली कंटिन्यू कर पाओ तो ये तीनों क्लासेस जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है चलिए आइए अच्छा शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में पहला जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो है चंद्रयान टू के बारे में कि ऑर्बिटर ने अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ टाइम पहले की बात है कि लूनर सरफेस के ऊपर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया था आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि चंद्रयान टू मिशन जो है इसको कब लॉन्च किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो में इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान का चंद्रयान थ्री वाला जो मिशन है इसको भी जल्दी लॉन्च किया जाएगा लेकिन अभी जो है वो पहला वाला दूसरा वाला और जो तीसरा है वो रिसेंटली आने वाला है लेकिन सुनिएगा अगर तुमसे पूछा जाता है ये जो चंद्रयान टू मिशन था इसके अंदर ऑर्बिटर भी था रोवर भी था लैंडर भी था तीनों चीजें थी तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको सबके नाम बताते हुए चलना है आप मुझे आंसर कर करके बताओ जो लैंडर था जो इसकी सरफेस पे उतरा था उसका नाम क्या था सेशन के लिंक को प्लीज गाइस शेयर भी कर दीजिएगा अगला इंडिया टू लॉन्च इंडिया ने रिसेंटली अभी बोला था कि वो लॉन्च करने वाले हैं एक ऐसी सैटेलाइट जो क्या करेगी पूरे कॉन्टिनेंट की एक पूरी डेटा को तैयार कर करनेगी एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बॉर्डर एरियाज है यानी कि पाकिस्तान और चाइना के साथ का जो बॉर्डर है उसके डेटा को भी तैयार करेगी और ये जो डेटा है वो एक दिन में कम से कम चार से पाँच बार शेयर किया जाएगा तो ये जो सैटेलाइट अभी लॉन्च करी थी इसका नाम क्या था जी सैट वन इसका नाम था इसको अभी रिसेंटली ग्यारह या बारह तारीख में लॉन्च किया गया था अभी जल्दी की न्यूज़ है अगला सुनिएगा ंग दी फॉलोइंगर वॉज ट्रैवल टू द स्पेस इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कौन से बिलेनियर थे जो अभी रिसेंटली गए थे स्पेस पे पहले तो आप मुझे ये आंसर करके बताओ कि सबसे पहले बिलेनियर कौन थे जो स्पेस पे गए थे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इसके हिसाब से आंसर क्या होगा जैब बेजोस देखो जैब बेजोस जो है वो तो 20 तारीख को गए थे लेकिन उनसे पहले 11 जुलाई को कोई एक ऐसा पर्सन था जो यहाँ पे विजिट किया था मुझे उसका नाम जानना है अगला सवाल निसार अब देखो निसार को लॉन्च होना है 2022 में लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया 2023 के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो रेडार सिस्टम है निसार इसको इंडिया तो बना ही रहा है लेकिन किसके साथ में मिल बना रहा है तो ये नासा के साथ में मिलकर इंडिया डेवलप कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर बनेगा इंडिया एंड नासा या फिर कह रहे हो इंडिया और यूएसए ठीक है अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस इसके द्वारा अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक रॉकेट लॉन्च किया गया था केप कार्निवाल से अब ये जो लॉन्च किया गया है आपसे कहा जा रहा है कि इसका नाम क्या है तो इसका पर्टिकुलर नाम क्या हो जाएगा एटलेस्ट फाइव इसका नाम रखा गया है कुछ टाइम पहले इसको लॉन्च किया गया था और ये मिलिट्री पावर के लिए लॉन्च किया गया था अगला सवाल रोवर अब देखो रोवर का मतलब क्या है कोई सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई चीज़ लैंड करी अब वो कितने ज़्यादा एरिया में घूम रही है कितनी ज़्यादा दूरी तक जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे रोवर बोलेंगे अभी हाल ही में चाइना ने क्या किया था जो मार्स है यानी कि जो रेड प्लेनेट है उसके ऊपर अपना रोबर भेजा हुआ था आपको बताना है कि उसका नाम क्या है तो उसका नाम क्या हो जाएगा जोरोंग और ज़ोरोंग के ऊपर आप जानते हो कई बार क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्यों क्योंकि ये चाइना से रिलेटेड है ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं बताइए द साइंटिस्ट डिस्कवर द स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले की बात है मैंने आपको पढ़ाया था कि साइंटिस्ट ने क्या किया है डिस्कवरी करी है एक ऐसे गैलेक्सी की जिसका जो साइज़ है वो क्या है ब्लैक होल जितना है यानी कि बहुत ही स्मॉलेस्ट है अब पूछा जा रहा है कि उसका जो नाम रखा गया है वो नाम क्या दिया गया है तो जिसका आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न वैसे भी स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट को हमने क्या कर दिया यूनिक कर दिया ठीक है अगला सुनिएगा फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सा ऐसा रोवर है जिसने ये बताया है कि ऑक्सीजन भी अवेलेबल है मार्स के ऊपर तो ये कौन हो जाएगा परजिबरेंस हो जाएगा परजिबरेंस किसका मिशन है नासा का मिशन है अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कोई हेलीकॉप्टर भी तो था जो कि निकला था और वहाँ पे और वहाँ पे करके चक्कर लगाया था तो वो क्या हो जाएगा इन यूनिटी उसका नाम था अगला सवाल देखिए कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अभी हाल ही में जिसने हिस्ट्री क्रिएट करी है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसने क्या किया था भैया फ्लाइट यानी कि उड़ा था मार्स के ऊपर तो अभी मैंने आपको बताया उसका नाम उसका नाम क्या था इंग्यूनिटी और ये मिशन किसका है नासा का ही ये मिशन है अगला सवाल स्पेस एक्स आप सभी लोग जानते हैं जब एलन मस्क की बात आती है तो स्पेस एक्स का नाम आता है तो एलन मस्क और स्पेस एक्स और इसके साथ में कि कौन सा रॉकेट हो जाएगा तो फाल्कन नाइन रॉकेट हो जाएगा अब पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने अभी हाल ही में क्रू मेंबर्स को या एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था जिसका नाम रखा गया था क्रू टू मिशन अब ये मिशन किसने लॉन्च किया था इसका आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था अगला सवाल कहा जा रहा है कि ये बताइए अभी हाल ही में ई यानी कि जो यूरोपियन लेवल पर स्पेस एजेंसी है उसके एस्ट्रोनॉट्स ने अभी कुछ डिस्कवर वगैरह किया था ठीक है अब पूछा जा रहा है कि, कि कितने क्वासर्स को डिस्कवर इनके द्वारा किया गया है क्वासर्स का मतलब ऐसे समझ लो कोई शाइनी पार्ट या फिर कोई शाइनी एरिया जिसको यहाँ पे देखा गया और जहाँ से लाइट जनरेट होती है तो ये क्या हो जाएगा टोटल बारह थे अगला शाहीन वन ए <coughs> मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ों को कवर करेंगे जो आपका स्पेस से रिलेटेड होगा और जो डिफेंस का होगा तो दोनों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है शाहीन वन ए आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले की बात है मैंने आपको पढ़ाया था कि पाकिस्तान ने अपना रॉकेट लॉन्चर भी टेस्ट किया है मुझे उस रॉकेट लॉन्चर का नाम कमेंट बॉक्स में मैंशन करके बताओ और शाहीन वन ए जो है ये क्या है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल आपको देखने को मिल रही है कौन सी कंट्री की है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाकिस्तान शाहीन में आपको अलग अलग सीरीज मिलेगी जैसे कि शाहीन वन शाहीन टू शाहीन थ्री इस तरीके से पाकिस्तान की सीरीज है अगला देखिएगा -like अर्थ लाइक क्लाउड यानी कि अर्थ के तरीके से जो क्लाउड्स हैं वो अभी हाल ही में देखे गए थे कौन से प्लानिट के ऊपर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल हैं वो कौन से वाले प्लानट पे पाए जाते हैं तो वो वीनस के ऊपर पाए जाते हैं अब आपसे कहा जा रहा है अर्थ की तरीके से जो क्लाउड्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्स के ऊपर ये पाए जाते हैं मार्स के आपको दो प्लानट के नाम याद रखने हैं या फिर ये कह लो मार्स दो के दो नेचुरल सेटेलाइट्स के आपको नाम याद रखने हैं फोबोज एंड डेमोस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अगला ल्यूपिक्स मिशन अब ये क्या है देखो कंट्री की स्पेस एजेंसी का आपको नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में अपना ल्यूपिक्स मिशन को लॉन्च किया था उसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा जापान इज द राइट आंसर इन्होंने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया था लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए हाया भूसा टू तो ये जो हाया भूसा टू थी जो अभी एस्ट्रोनॉट की स्टडी करके वापस आया है ये कौन सी कंट्री का है तो ये भी जापान का है अगला सवाल कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में अपना एक मिशन लॉन्च किया था मार्स के ऊपर और इसका नाम रखा गया था होप मिशन तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा मैंने अभी आपको दो तीन दिन लगातार यू के बारे में पढ़ाया है और मैंने आपको यहाँ पे होप मिशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है कब गया था कब पहुँचा था सारी चीज़ें ठीक है चलिए अच्छा अगला देखते हैं इसरो इस सेट टू लॉन्च इसरो ने अभी हाल ही में अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम था एमेजोनिया वन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री के लिए इंडिया ने या फिर इसरो ने इसको लॉन्च किया था तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ब्राज़ील अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ब्राज़ील अगला कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने अभी हाल ही में अपना पावरफुल रॉकेट जो है वो बना के लॉन्च किया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नासा ने अभी रिसेंटली ऐसा किया है और प्लीज़ फाल्कन नाइन रॉकेट जब भी पूछा जाएगा तो वो स्पेसएक्स एक्स कंपनी का होगा ना कि किसी और का ठीक है अगला सुनिएगा इसरो जो है वो अभी क्या कर रहा है टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप करने का काम कर रहा है जिसके अंदर ह्यूमंस को स्पेस पे भेजा जा सकता है देखो हर कंट्री चाहता है कि ऐसा हो लेकिन अभी आपने देखा कि स्पेस एक्स ने तो इसको अचीव कर लिया एलन मस्क ने तो ये अपना सपना पूरा करा दिया है लेकिन अभी बाकी लोगों का क्या तो अभी इसरो जो है वो भी एक मिशन के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम रखा जा रहा है ग्रीन प्रोपल्शन ठीक है ये टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है नेक्स्ट देखिएगा कहा जा रहा है कि ये बताइए विच टू प्लानट्स दो प्लानिट ऐसे कौन से हैं जो काफ़ी ज़्यादा पास में आने वाले हैं और ऐसा कब से मतलब अगर पूरे टाइम पीरियड को देखें तो 400 साल बाद ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुपिटर और सैटर जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा जुपिटर जो है वो क्या है द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा और सैटन की बात करोगे तो वो सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा ठीक है बट सबसे ज़्यादा जो नेचुरल सेटेलाइट्स हैं वो किसकी हैं वो अब सैटन की हैं मेहरबानी करके जुपिटर मार्क करके मत चले आइएगा अगला नासा का 2024 में जो मून मिशन लॉन्च किया जाएगा उसका नाम क्या है आप जानते हैं कि ये सवाल जो है केबीसी तक में पूछ लिया गया आर्टेमिस मिशन इसका नाम होगा जिसमें मेन और भेजे जाएंगे एंड साथ में यहाँ पे नोकिया का नेटवर्क भी जाएगा अगला सवाल नासा ने अभी रिसेंटली अपने रोबोट्स को भेजने की बात बोली है और ये जो नाम है ये क्या है डेवेंसी प्लस और साथ में वेरिटस पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि कौन से वाले प्लान के ऊपर या फिर कौन से प्लानिट की सरफेस के ऊपर भेजा जाएगा आंसर हो जाएगा वीनस सवाल शुक्रयान मिशन इंडिया लॉन्च करेगा बट कौन से ईयर में लॉन्च करेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ठीक है चलिए अच्छा अगला सवाल ओलिंग नोवेस्टकी एंड पोइटर डुब्रोव पूछा जा रहा है कि जो दो लोग हैं अभी हाल ही में इन्होंने स्पेस वॉक करी थी अब कहा जा रहा है कि ये बताओ दोनों कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं पहला पॉइंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये रिटायर होने वाला है 2024 में जिसके चलते अलग अलग कंट्रीज अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें रशिया भी लगा हुआ है चाइना भी लगा हुआ है और यूएसए भी लगा हुआ है इंडिया भी नहीं करेगा क्योंकि इंडिया गगनयान मिशन के बाद में काम करेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया नेक्स्ट क्या है यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा जो है इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक मोबाइल रोबोट तैयार किया है जिसका नाम है वाइपर जिसको मून के ऊपर भेजा जाएगा सवाल आपसे ये कह रहा है कि कब ऐसा किया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में इसको भेजा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉग वन अब डॉग वन नाम का ये जो मिशन तैयार किया गया था इसमें बोला गया था कि भाई पैसा जो आप दोगे ना वो हमको क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में देना तो ये कौन कर सकता है दिस इज वन एंड द ओनली एक ही इंसान हो सकता है जो उसने कहा था कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी में और बाद में क्या मुकर गए तो ये कौन हो सकते हैं दिस इज वन एंड द ओनली एलन मस्क ने ऐसा किया था तो डॉग वन जो है ये यहाँ पे एक मिशन लॉन्च होना था स्पेस इस एक्स इसको लॉन्च करने वाला था जिसके लिए पहला ऐसा ही मिशन बन जाता जिसमें क्रिप्टो करेंसी का यूज होता बट ऐसा ना हो सका अगला ईस्ट समटाइम्स इन द न्यूज ये आपने अभी हाल ही में चर्चा में देखा होगा तो ये क्या है दिस इज अ आर्टिफिशियल सन और ये ध्यान रखिएगा कि चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है ठीक है नेक्स्ट सुनिएगा एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेस डेब्रेस यानी कि स्पेस पे जो डेब्रेस होता है जो बहुत ज्यादा कचरा जम जाता है टेक्नोलॉजीज की वजह से चाइना ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था ताकि इस कचरे को रिमूव किया जा सके आपको बताना है कि उस मिशन का नाम क्या है उसका नाम है नियो जीरो वन आपसे पूछा जा सकता है कि वुडन सैटेलाइट किसने लॉन्च करी है तो ये जापान हो जाएगा और नैनो सैटेलाइट अगर पूछी जाएगी तो वो न्यूजीलैंड की हो जाएगी अगला आर्टिक्स एक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये स्पेस एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने कंडक्ट करी थी तो ये फ़्रांस के द्वारा कंडक्ट किया गया तो मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं सिर्फ एक ऐसी न्यूज़ थी जो आ, मुझे लगा कि शायद कहीं रह ना गई हो कभी हम लोगों ने हो सकता है मिस कर दी हो तो मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था बट मेरी तरफ से यहाँ पे सारे जितने अभी 2021 के मिशन से वो मैंने आपके लिए इसमें कवर कर दिए आई होप कि आपने इसको रिवाइज भी कर लिया होगा अब आपसे मुलाकात करेंगे 6:45 फोटी पे क्लास के अंदर जहाँ पे आपका रेगुलर करेंट अफेयर्स का क्लास होता है इसके अलावा मेरा नया बैच ऑलरेडी 18 से स्टार्ट हो चुका है और अगर आपने बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास में अगस्त ऑफर अभी अवेलेबल है क्योंकि अगस्त के बाद में ये अमाउंट चेंज हो जाएंगे अभी फ़ाइव थाउजेंड एंड सेवन थाउजेंड में आपके बैचेस चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो तेरह महीने के लिए या फिर दो साल के लिए अपने अकॉर्डिंग आप देख लो कोड प्रति टेन लगेगा ताकि टेन परसेंट ऑफ आपको मिल सके इसके अलावा आपका एसएससी सी जो है वो रहेगा इस संडे को दोपहर में बारह बजे जो आपको मिस नहीं करना है दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए आपसे मिलते हैं 6:45 फोर्टी फाइव एम पे टिल देंगे खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज